नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह मैंने इसकी लंबाई ली है लगभग 15 इंच। तो जितनी आपको रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, डीप नेक गले पर यह डिजाइन है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और लंबाई इसकी लेंगे 10.5 इंच। इस तरह लेने के बाद अब हमें इस तरह गले का निशान कर लेना है। अब हमें यहाँ से लेना है 2 इंच, ये नीचे हमने लंबाई इसकी 2 इंच ली है और इधर से लिया है 1 इंच। उसके बाद यहाँ से अब गले पर 1 इंच से थोड़ा कम लेंगे, जो ये निशान लिया है 1 इंच से थोड़ा सा कम लिया है, और इस तरह से मिला लेना है इसको। अब दूसरी तरफ से भी पूरा निशान बिल्कुल वहीं से निकाल लेना है। तो हमने निकाल लिया, इस तरह से बना लेना है। अब कपड़ा लेना है और कपड़े को फैला कर रखेंगे, और इसके देखिए सीधी वाली तरफ इस तरह इसको फैला कर रखना है, और ये बाहर वाला जो निशान है वहाँ से हमें इस तरह सिलाई लगानी है। अब यहाँ से सिलाई को वापस लेते हुए इस साइड लगा लेंगे। अंदर वाला जो निशान है उसे छोड़ देना है, जो बाहर वाला निशान है उससे सिलाई लगानी है। अब इस पर जो ये स्ट्रा लिया है इस पर डिजाइंस रहेगी। तो गले पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें नीचे की तरफ सिलाई भी लगा लेना है, ताकि साथ में ये भी तैयार हो जाए, पट्टी लगाने की जरूरत ना रहे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, इस तरह अब इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे कट करेंगे। अब पूरे गले पर कट्स लगा लेंगे। कट करने के बाद हमें पूरे गले पर इस तरह से कट लगा लेना है। तो ये कट देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से निकालते हुए पलट लेना है। अब इस तरह इसे पलट लेंगे, पलट कर सीधा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए गले को तैयार कर लेंगे। ऊपर से अब एक सिलाई पूरे गले पर लगाना है। तो इस तरह से सिलाइयाँ इस पर लगा देंगे, गले पर भी लगाएंगे, और साथ में इसके बाद साइड से भी सिलाई डाल देंगे इस तरह कपड़े को पकड़ाते हुए। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने देखिए सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेना है, कट करके बराबर कर लेना है। हमने कर लिया। अब गले को निकालना है हमें पेपर के ऊपर। ये पेपर लिया है, पेपर के ऊपर बराबर से फैलाकर पूरा निशान इसका निकाल लेना है। उसके बाद जितना हमने यहाँ पर लिया था 1 इंच से थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा लिया था, उस पर उतने पर हमें ये निकाल लेना है। देखिए अंदर से तो ये इसको निकाल लिया। अब हमें पट्टी रेडी करनी है। तो हमने सीधा कपड़ा लिया है, अब इस पर सिलाई लगा देंगे और उसे फिर पलट कर सीधा कर लेंगे। चौड़ाई इसकी लगभग 1/2 इंच से थोड़ा कम लेंगे। अब इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। तो हमने पलट लिया, इसी तरह से पट्टियाँ ले लेनी है, उसके बाद कट कर लेनी है। 1.5-1.5 इंच की कट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी।
ये 1.5 इंच 1.5 इंच की कट कर लेंगे। अब ये पूरे गले के लिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो हमने कट कर ली है पेपर पर, इसको देखिए यहाँ से जहाँ से लाइनिंग की है अंदर वाली, वहीं से रखते हुए बिल्कुल सिलाई इसको लगाना है और बीच में 1/2 इंच का गैप देते हुए रखेंगे। जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही बीच में छोड़ देंगे और एक बराबर से रखते हुए पूरे गले पर हमें इसको लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए पूरे गले पर इसको लगाएंगे, बिल्कुल लाइनिंग से मिलाकर रखना है जहाँ से हमने की है। अब यहाँ से देखिए इस तरह नीचे की तरफ ले लेना है, उसके बाद इस साइड लगाना शुरू करेंगे यहीं से। अब पूरे पर इधर भी लगा लेंगे। तो देखिए पूरे पर लगा लिया, बाहर वाली तरफ से भी सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने सिलाई डाली, उसके बाद इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए इस पर पाइपिंग बनानी है, यहाँ से ये देखिए इस तरह से कट करना है, पाइपिंग नीचे तक यहाँ तक ले जाना है। तो ये हमने देखिए इस तरह से कट कर लिया, जहाँ से सिलाई डाली सिलाई के बिल्कुल बाहर से इसे कट कर लेना है। अब पाइपिंग पट्टी लेंगे और इस तरह से पाइपिंग बना लेना है। तो पूरे पर हमें पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ से कट करेंगे, एक साइड की बना लेंगे, फिर इस साइड से बनाना शुरू करेंगे। पहले इसे बना लेंगे, फिर उस साइड की इसी तरह से बना लेना है। अब पतली सी पाइपिंग निकालते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग बना ली, साइड भी बना ली। उसके बाद अब गले को लेना है और इस तरह मिलाकर रखना है और पहले यहाँ से सिलाई डालना शुरू करेंगे, फिर पूरे गले पर अच्छे से बनाते हुए सिलाई लगा लेना है। अब देखिए यहाँ बराबर से मिलाकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इस साइड भी हमें इसे लगा देना है इसी तरह से सिलाई को। तो ये देखिए इस तरह से लगा लिया, ये हमने इसे डिजाइन को लगा दिया। उसके बाद अब हमें पेपर को निकाल देना है। ये पेपर को इस तरह से निकाल देंगे, पूरा पेपर अच्छे से निकाल लेना है। अब पेपर को निकालने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें इस पर मोती लगानी है। नीचे से बिल्कुल बराबर है पाइपिंग, ऊपर से इस तरह यहाँ पर एक लगेगी, फिर ऊपर दो, फिर तीन, तीन लाइन इस पर लगाएंगे। पहले एक लगाएंगे, फिर दूसरी लाइन में दो लगाएंगे, तीसरी लाइन में तीन लगा लेंगे। इसी तरह से हमें इस पर लगा लेना है। उसके बाद चाहे तो गले पर पाइपिंग की साइड से भी लगा सकते हैं। तो हमने लगा दिया, अब देखिए यहाँ से लेस लगाना है। अब इस तरह इसको लगा लेंगे पूरे गले पर, इसे देखिए लगा लिया है। अब इस साइड से चाहे तो इस तरह मोती लगा सकते हैं हर एक पट्टी के बीच में इस तरह से पूरे पर। अब लास्ट में इसका प्लेट्स डाल देंगे तो गला गले का डिजाइन हमारा तैयार हुआ। इस पर लटकाना जो रखेंगे थोड़ी सी हैवी रखेंगे तो इसलिए अभी उसे बनाना बताएंगे। उसके लिए यहाँ पर लेना है 3 इंच का चौकोर कपड़ा और इस तरह से बाहर ही लटकने बनाकर तैयार कर लेनी है ढेर सारी। इस तरह की लटकने देखिए कपड़े की बना लेनी है। तो इसी तरह से सारी बना लेंगे। उसके बाद एक बचा कर रखेंगे, इसको डोरी पर डायरेक्ट लगाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, फिर डबल डबल करके साथ में लगाते जाएंगे। तो ये देखिए एक डोरी पर हमने नीचे लगा ली। अब इसको इस तरह से लगाना है, इसी तरह हमने और बाकी बना ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से करके लगाना है, डोरी बीच में रहेगी और दोनों साइड से लटकन को पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है।
अच्छे से कई बार सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि ये निकले ना यहाँ से। इसी तरह से सारी लगा लेंगे। उसके बाद इसमें मोती डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मोतियाँ डाल लेनी है। मोती डालने के बाद यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे ताकि मोती निकले ना। इसी तरह दूसरी लटकन लगा देंगे। डिजाइन हमारा तैयार हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।